यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कोरोना वायरस, और अगर आपकी उम्र 60 है, 50 के ऊपर है, और अगर आपके घर में कोई भी एल्डरली है, तो यू मस्ट बी वरिड, आप भी चिंतित होंगे कि यार उनको हो गया तो क्या होगा। उस उम्र के लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उनके डेथ रेट ज़्यादा है। यंग लोगों में तो 0.5% डेथ रेट है, लेकिन एक एल्डरली एज में 60 के बाद 3% या 80 के बाद ज़्यादा है, 1-3% तक डेथ रेट है। वायरस बीमारियां कर सकता है, सीरियस इलनेस कर सकता है, किसी को दूसरी पहले प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते, लंग ख़राब हो, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की क्रोनिक बीमारी हो तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यस, तो कोरोना वायरस इन्हीं तरह लोगों को फिर डीप जाके लंग्स के अंदर निमोनिया करता है। लंग्स के अंदर आपके लंग के सेल्स के रिसेप्टर्स पे अटैच होके इन्फ्लामेशन करता है और वहाँ पर दिक्कत करता है। एंड पीपल जिनको ऐसी सी प्रॉब्लम्स हैं, ओल्ड एज है, उनको फीवर, कफ और साथ हो जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दिक्कत, उनको होगी प्रॉब्लम। और चाइना में अगर आप डेटा देखोगे या इटली में देखा डेटा देखोगे, जहाँ पे डेथ ज़्यादा हुई है, वहाँ आप ये देख पाओगे कि 80 साल की उम्र के ऊपर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, राइट? मतलब अगर सारी डेथ मिला के देखोगे तो ऑलमोस्ट 55% डेथ 80 के ऊपर एज में हो रही है, और 30% डेथ 60 के ऊपर या 70 के ऊपर हो रही है, और 60 के नीचे सिर्फ 5% डेथ रेट है, और 40 साल के नीचे तो 0.8% डेथ रेट है, डेथ हुई है, और 40 साल के ऊपर 0.5 तक आ जाता है। सो बहुत एग्जैक्टली ऐसा हर जगह नहीं है, हर दिन रेशियो बदल रहा है, राइट? बट द एवरेज हिसाब किताब ऐसा ही है, जितनी ज़्यादा उम्र, जितनी एग्जिस्टिंग बीमारी, उतना खतरा। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ऐसी बीमारी को फैलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको कंपेयर करोगे फ्लू से, तो फ्लू, सिंपल फ्लू वायरस से ये 10 गुना ज़्यादा डेडली है, 10 गुना ज़्यादा डेडली है, और सार्स जो नॉर्मल सार्स आया था उससे आधा डेडली है, इबोला से 6 गुना कम डेडली है। तो इससे डेंजरस वायरस भी है और इससे सिंपल वायरस भी है। फ्लू जो पहले से पैंडेमिक है, दुनिया भर में बिलियंस केसेस होते हैं उसके, उससे दुनिया भर में हर साल लाखों लोग मरते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इससे अब मरने वाले लोगों की, और ये नया वायरस है इसलिए और प्रोटेक्शन ज़रूरी है, इसलिए हो रहा है ये सब। तो आपको अपने अंडरलाइंग कंडीशंस पे ध्यान देना होगा, आपको अपने प्रोटेक्शन पे ध्यान देना होगा। अगर आपको कोई अंडरलाइंग कंडीशन है तो नो मैटर व्हाट वायरस, अगर स्वाइन फ्लू भी हो जाएगा तो आपको वो डेडली हो सकता है। और अगेन स्वाइन फ्लू हो या इस तरीके का ये कोरोना हो, सिमिलर डेथ रेट आपके, सिमिलर रिस्क होगा आपको। सो क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके इम्यून सेल्स के प्रोडक्शन का रेट, उनकी रिएक्टिविटी का रेट, आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। द बेसिक नंबर ऑफ ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स कम हो जाते हैं आपके अंदर, ऑलरेडी अगर कोई क्रोनिक बीमारी है तो कम हो जाते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स ही कम हो जाता है। दैट्स वाई वायरस अगर आपको हो जाएगा तो आप पे हावी हो सकता है, या फिर जितना समय लगेगा आपकी इम्यून सिस्टम को उतने सैनिक, उतने सेल्स, उतने इम्यून सेल्स बनाने में, इन दैट टाइम वायरस हावी होके आपको ओवरवेल्म कर सकता है आपके सिस्टम को। बिकॉज ऑफ दैट वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स क्या करती हैं, फॉर एग्जाम्पल दो एडल्ट ले लेते हैं, दो एल्डरली पीपल ले लेते हैं, एक को स्वाइन फ्लू हुआ, राइट, एक को कोरोना वायरस हुआ, दोनों की उम्र 70 साल 80 साल। स्वाइन फ्लू वाले को वैक्सीन लग चुका था स्वाइन फ्लू का, राइट, तीन ले लेते हैं, एक स्वाइन फ्लू जिसको वैक्सीन लग गया, एक स्वाइन फ्लू जिसको वैक्सीन नहीं लगा, एक कोरोना जिसकी वैक्सीन है नहीं, राइट। हुआ क्या, तीनों के तीनों को सिमिलर डिजीज़ है, उसमें से जिन कोरोना जिसकी वैक्सीन है नहीं, सेम रिस्क है उसका बीमार हो जाने का, डेथ होने का, और स्वाइन फ्लू जिसकी वैक्सीन उसने नहीं लिया उसको भी सेम रिस्क है बीमार हो जाने का, डेथ होने का। दोनों के दोनों आईसीयू पहुंच गए, दोनों के दोनों पे एंटीवायरल दवाइयों का कॉकटेल दिया जा रहा है, उनको मदद करने की कोशिश की जा रही है। और एक और चौथा पर्सन है जो उसी उम्र का है जिसको वायरस हुआ है लेकिन वो ठीक हो गया। ऐसे भी लोग होंगे जो उस उम्र में ठीक हो गए, ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, आईसीयू पहुंच जाएंगे, तब उनको फिर एंटीवायरल मेडिकेशंस या वो दिए जाएंगे।
और एक्सपेरिमेंट्स काइंड ऑफ उस पर हो सकता है किया जाए, क्योंकि ये अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, बट देन ठीक है, देख जब बचानी है जान तो कुछ ना कुछ तो करेंगे डॉक्टर पूरी दुनिया के, कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ थिंग्स आर. एंड जो बचा पेशेंट जो H1N1 से था जिसने वैक्सीन लिया, उसके एडवांटेज ये होगा कि हो सकता है उसको हॉस्पिटल ना जाना पड़े. 90% तो नहीं, नॉट 100% गारंटी, बट देन उसके चांसेस बढ़ जाएंगे. इसीलिए वैक्सीन क्या करती है, आपकी बॉडी को प्रेप कर देती है, आपकी बॉडी को तैयार कर लेती है आगे के लिए. अगर सेम वायरस कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के बाद अगर वापस कोरोना अगले साल आएगा तो इतना डेडली नहीं होगा, इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक रहोगे आप, राइट. इसीलिए इतनी धड़ाधड़ तैयारी हो रही है कि वट एवर द वायरस इज, आज तो डील कर लेंगे, अगले साल का क्या. सो इसीलिए वैक्सीन अगले साल से पहले आनी चाहिए. सो अगले साल का टारगेट है मिड नेक्स्ट ईयर तक वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी. बन तो चुकी है, पर भाई साहब इतनी आसानी से दुनिया भर में बांट नहीं सकते हैं. उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसके साइड इफेक्ट्स सब असेस करने पड़ते हैं. काम का है अभी कि नहीं देखना होता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग इट आउट देयर, राइट. सो FDA इतनी आसानी से अप्रूव नहीं करती, वरना फार्मास्यूटिकल कंपनी तो आपको अगले दिन दे दे भाई लो वैक्सीन, ऐसा इतना आसान नहीं है, समझे. और कोरोना वायरस के लिए सक्सेप्टिबिलिटी अगर आपकी है तो आपको क्या करना चाहिए, राइट. नंबर वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर सेल्फ सेफ, स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक. जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ से आप बचोगे उतना बेहतर. हैंड वॉश करो, अपने मोबाइल फ़ोन्स को वॉश करो, उनके फ्रंट स्क्रीन बैक, क्योंकि अगर मान लो आपके हाथ गंदे, आपके हाथ में कोरोना वायरस, आपने मोबाइल को हाथ लगाया, यहाँ रखा, फिर उसके बाद हाथ धोया, फिर मोबाइल को हाथ लगाया, फिर आपके हाथ में कोरोना वायरस, फिर जाके मोबाइल, फ़ायदा क्या हुआ, राइट. सो ऑलवेज ऑलवेज वॉश, वॉश तो नहीं बट क्लीन योर मोबाइल फ़ोन्स विद कॉटन एंड अ लिटिल बिट ऑफ स्पिरिट, या फिर डिसइंफेक्टेंट जो आप सैनिटाइजर यूज़ करते हो उससे आप स्क्रीन कर सकते हो क्लीन. इंपॉर्टेंट, फ़ोन रिमोट कंट्रोल्स और अपने घर के या काम करने वाले डेस्क को भी क्लीन करते रहिए, हाथ धोते रहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुंह में नाक में हाथ ना डालिए. अगर खुजली हो रही है तो कोशिश करिए या तो इधर साइड से आप ऐसे कर लें, या तो अगर खांसी आ रही है तो यहां पे खांसी कर लें, और अलग अलग चीजें ले सकते हो. अगर मान लो कोई और जैसे ऑब्जेक्ट यूज कर लो, ग्लव्स यूज कर लो, ग्लव्स यूज करके फेंक दो, दैट कैन बी थिंग्स. सो प्रिवेंशन इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट काइंड ऑफ एन एज, 60-65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वेल बींग. आपकी फ्लू शॉट्स आपको लगवाने हैं, बिकॉज बाकी सारे फ्लू से भी आपको खतरा है, स्वाइन फ्लू से खतरा है, तो स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आपको लगानी है. और हर साल आती है, इस साल क्वाड्रीवेलेंट आई है, क्वाड्री फ्लू आई है, और आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना है भैया. व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने हेल्थ चेकअप, आपको सांस फूलती है, पैरों में दर्द होता है, खून की कमी है, प्यास लगती रहती है, चक्कर आते हैं, गिर रहे हो, कभी थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है. कितने ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी बेसिक हेल्थ केयर ही नहीं हो रही है, उसके ऊपर तुम उनको एक डेडली वायरस दे दोगे, एक कोरोना वायरस दे दोगे, एक फ्लू वायरस दे दोगे, फ्लू से भी मर जाएंगे बेचारे. सो गलती किसकी है, गलती है आपकी जो उनके साथ रह रहे हैं भाई. वो तो चलो कई बार वो लोग सोच लेते हैं, उनकी भी गलती है कि वो खुद का केयर नहीं करते, वो खुद की चेकअप नहीं कराते, पर आपकी ज़्यादा गलती है कि आप उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, आप उनका हेल्थ चेकअप नहीं कराते. हेल्थ चेकअप कराते हो तो हेल्थ चेकअप, सिर्फ हेल्थ चेकअप, और अपने आप को सोचते हो कि हम ही चेक कर लेंगे, हम ही कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. ऐसा नहीं होता. यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर, डू अ हेल्थ चेकअप, एंड देन आस्क द डॉक्टर, व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एल्स कैन आई डू, व्हाट एम आई मिसिंग, और मैं क्या कर सकता हूँ इनके लिए, इनकी भूख के लिए, इनकी एक्टिविटी के लिए, इनके बोन्स के लिए, इनकी इम्यूनिटी के लिए, इनकी डेफिशिएंसी के लिए, इनकी इनकी सारी चीज़ों के लिए, इनकी नींद के लिए, राइट. यू वॉच्ड माय वीडियो ऑन यूट्यूब, उसमें मैंने सब बताया कि भाई द बेस्ट थिंग, राइट, द बेस्ट, ये खाना, वो खाना, वो चीज़ें लेना, ये चीज़ें लेने से कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, माइनर इफेक्ट पड़ेगा, 1-5%, 10%, बट बेसिक इज योर लाइफ स्टाइल. सो एल्डरली लोगों के लिए भी बेसिक इज देयर लाइफस्टाइल. एक्टिव नहीं है, एक्टिव करो, हेल्थ चेकअप कराओ. अगर बड़े बूढ़ों को बचाना है तो उनको हेल्दी बनाओ. दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू, दैट्स द ओनली थिंग. अ पर्सन हु इज हेल्दी विल नॉट डाई ऑफ कोरोना, अ पर्सन हु इज ऑलरेडी सिक विल गेट वर्स. सो डू द हेल्थ चेकअप whenever you get time and visit a doctor if you can. Thank you so much. Please share the video as much as you can. Koi special ingredient nahi hai. Yes, fruits, vegetables khane chahiye, vitamins hone chahiye body mein, par
आपको पता ही नहीं है किसकी कमी है तो कुछ भी खाई जाओ. विटामिन सी एंड जिंक आर रिकमेंडेड, ओमेगा 3 इज रिकमेंडेड, कैल्शियम विटामिन B12 आर रिकमेंडेड, विटामिन डी इज रिकमेंडेड, सलनाइट इज रिकमेंडेड, एंड अ लॉट ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड, कोकोनट वाटर इज रिकमेंडेड, गिलोय इज नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक इट, एंड अदर थिंग्स आर ओके, बट गौमूत्र इज नॉट रिकमेंडेड. देयर इज एनी काइंड ऑफ मैजिकल क्लेम्स आर रॉन्ग. बहुत सारे लोग बैठे हैं प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, अपने आप का कॉन्सेप्ट बेचने के लिए, खुद का यूट्यूब चैनल बेचने के लिए, बेचने मतलब बढ़ाने के लिए. दुनिया में इंटरनेट निकाल के देख लो, मैजिकल ड्रिंक या क्योर निकाल के देख लो, हर चीज़ में क्योर मिल जाएगा. कई सारे इवन डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो क्लेम करते हैं भी मेडिकल साइंस बेकार है, हमारी बात मानोगे तो ठीक हो जाओगे, और ये ख़राब वो ख़राब. सो क्वाइट फ्रैंकली यू नीड टू यूज़ योर माइंड, यू नीड टू यूज़ योर ओन अवेयरनेस, राइट. अगर नहीं अवेयर हो तो अवेयर करो, लोगों को अवेयर हो, रिसर्च पढ़ो, मेडिकल साइंस पढ़ो, नहीं तो जिस पे भरोसा है उस डॉक्टर से पूछो. अगर किसी पे भरोसा नहीं है तो धोखे खाओगे भैया, और धोखे खाना है तो खाओ उसमें भाई साहब. बचाने की कोशिश तो हम कर ही रहे हैं, आगे तो आपको फैलाना है अवेयरनेस. सो प्लीज़ डू अवेयर अदर्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन इन द वर्ल्ड. एज फार एज स्कैम्स गो, आपके हर जगह आपको स्कैम्स मिलेंगे, फेक खरीदे हुए अवार्ड्स मिलेंगे, फेक रिसर्चेस मिलेंगी, एंड पीपल हु विल टॉक बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी. बड़ी बड़ी बातों के सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से बात काम होना होता तो इतने सारे दुनिया भर के मेडिकल साइंस वैसे ही पढ़ा होता. सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, प्लीज़ डू यूज़ योर माइंड, प्लीज़ यू यूज़ योर, सबसे बेटर चीज़ बताए, सब पे शक करो, सब पे किसी पे भी, मुझ पे भी. एवरीबडी शुड ऑलवेज क्वेश्चन एनी काइंड ऑफ क्लेम, एनी काइंड ऑफ मैजिकल क्लेम विच दे हियर अबाउट. ऑलवेज क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढते रहोगे आप. जब उनकी गलतियां ढूंढोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत. एंड इफ यू वांट अ वीडियो, देयर इज अ वीडियो हाउ टू फाइंड रिलायबल ऑथेंटिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन. स्टेप्स बताए मैंने जिसमें आप ये सब इन्वेस्टिगेशन या गलतियां ढूंढ सकते हैं. गो एंड वॉच इट एंड देन यू विल नो वॉट टू डू. एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न, इफ यू वॉन्ट यू कैन मेक अदर्स अवेयर बाय शेयरिंग इट. थैंक यू सो मच.